वेलकम ऑल, आई होप यू आर कीपिंग हेल्दी एंड सेफ। वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। वी कॉन्टिन्यू द टॉपिक टूडे। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड दीज फोर सेगमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप क्या बेच रहे हो, अकॉर्डिंग टू टारगेट ग्रुप आप किसको बेच रहे हो, आप किस एरिया में बेच रहे हो, ज्योग्राफिकल कवरेज, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट में। Today we are going to study various different type of advertisement which you can find at different places. You can find their mention, and if you are studying for undergraduate or postgraduate, these concepts can come as different topic in your exams. So let us straight away go to the category. So first one is comparative advertising. Comparative advertising means that in your advertisement you are showing a direct और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट। अगर आप एड में देखते हो कि मैं दिखा रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई से कैसे बेहतर है, वो फीचर्स में भी हो सकता है, प्राइस में भी हो सकता है, सो दैट इज़ नोन एज कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। नाउ द रेफरेंस गिवन टू द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट कुड बी डायरेक्ट, मीन्स मैं सीधा सीधा अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, और इट कुड बी इनडायरेक्ट, मीन्स आई एम नॉट शोइंग द एग्जैक्ट प्रोडक्ट ऑफ माई कॉम्पिटिटर, तो आप इमेज ब्लर कर दोगे या उसके जैसा प्रोडक्ट दिखा दोगे, सो दैट इज़ इनडायरेक्ट रेफरेंस। सो यू हैव सीन डिफरेंट एड्स ऑफ कोक एंड पेप्सी, रिन एंड टाइट, कॉम्प्लान एंड हॉलिक्स एंगेजिंग इन कॉम्पैरेटिव एडवर्टाइजिंग। इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द वीडियो यू कैन सी वेरियस लिंक्स विच विल टेक यू टू एग्जाम्पल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग वी आर डिस्कसिंग। सो आप पहले वीडियो देख लें, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें, थियोरेटिकल पार्ट समझ लें, एंड देन यू कैन गो ऑन टू सी द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एड्स जो कि बनाई गई हैं, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द थ्योरी पार्ट देन कि ये एडवर्टाइजमेंट्स असली में कैसी दिखती हैं, राइट। नेक्स्ट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट मीन्स सब्स्टिट्यूट। Now in different countries, different products or services could be banned from advertising. For example, in India, one cannot advertise directly alcohol or cigarettes. So how they are advertised, that strategy is known as surrogate advertising. So यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम product दिखाते हैं जिसके पीछे हमारा real product जो होता है वो surrogate हो गया। सो वो जो रियल प्रोडक्ट होता है वो वाला प्रोडक्ट होता है जो बैन हो गया हो। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी द एड ऑफ किंगफिशर सोडा, सो उसका जो ट्यून होगा, जो थीम होगा, टैगलाइन होगा, जो एड में दिखा रहे होंगे, सो वो होगा किंगफिशर सोडा का, राइट। बट यू नो एट द बैक ऑफ इट देयर इज अल्कोहल ऑल्सो बीन प्रमोटेड, बट यू कैन नॉट शो एनीवेयर इन द एड the picture or the product, real product that is alcohol. So this is known as surrogate advertising. Now please remember that surrogate advertising is limited to a particular country's law. There may be places where alcohol advertising is not banned. So you can advertise, agar aap internet pe dhoondenge to aapko alcohol ka ad mil sakta hai. But that doesn't mean ki aap wala ad same India mein run kar sakte ho, क्योंकि इंडिया में बैन है, राइट। नेक्स्ट इज शॉक एडवर्टाइजिंग। शॉक एडवर्टाइजिंग मीन्स, ओके नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एट दिस पॉइंट आई टेल यू दैट ये जो हम डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एड सरोगेट एडवर्टाइज होगा या शॉक एडवर्टाइज होगा या कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट होगा, राइट। दीज आर नाउ लाइक शॉक एडवर्टाइजमेंट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक विच यू कैन यूज टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट और सर्विस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ जो कि एक सोशल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट बन जाएगा, अगर मैं एक सोशल मैसेज देना चाहती हूँ कि क्विट स्मोकिंग या से नो टू स्मोकिंग, राइट। अब एक सोशल मैसेज है, अगर मैं उसको नॉर्मल तरीके से दिखाऊँ तो वो एक नॉर्मल एड रहेगा विद अ सोशल मैसेज, लेकिन अगर मैं उसको एक ऐसे तरीके से दिखाऊं विच द ऑडियंस इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, देन दैट विल बिकम शॉक एडवर्टाइजिंग। सो इन शॉक एडवर्टाइजिंग वी आर डेलिब्रेटली यूजिंग कॉन्टेंट टू शॉक आर ऑडियंस बिकॉज इट इज़ वायोलेटिंग देयर सोशल एंड पर्सनल नॉर्म्स। हम वो चीज़ दिखाते हैं जो जनरली ऑडियंस आपकी सोसाइटी में नहीं एक्सपेक्ट करेगी, राइट। सो यू कैन और इट इज़ लाइक इफ़ यू
see the advertisement where they show that if you are smoking then the internal body parts are getting damaged, and वो internal body parts दिखाते हैं, then the audience is not willing to see because that is a very unpleasant view. So if we say that if you smoke the lungs get damaged, on the contrary, you are actually showing how the lungs are looking from inside. So that view is very unpleasant, and the audience may not expect that advertiser could show such raw pictures. But if you are showing, and if the audience is viewing that, then they would not be able to forget that. That will leave a impression in the minds of audience than a simple statement that your lungs could be damaged. So that is shock advertising. So the pros of such technique is that it leaves a long-lasting impression. It attracts also, and it leaves a long-lasting impression. But cons are, if you are, using material which is violating the social and personal norms, or which is shocking unnecessarily, and it is not matching your product, then you could have, it could turn out to be negative for you also. Next is teaser advertising. As you can see in the picture, coming soon. So what is coming soon, you don't know. So I want to gain the attention of my audience. So I am giving the information about my product or service in bits and pieces. So advertisement, which is giving incomplete information, the object is to create curiosity in mind of the audience. हम देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, and then you are revealing the product in or your idea in different sequences or different parts. So again, I am leaving a video in the description, and you can see that how teaser advertising looks like. And also, it is very common with the movies. कोई भी मूवी का बड़ा पूरा ट्रेलर दिखाने से पहले यू कैन हैव डिफरेंट टीजर्स इन विच यू कैन, फॉर एग्जांपल जैसे जीरो मूवी का लॉन्च हुआ था, सो यू आर शोइंग ओनली शाहरुख खान एंड दिस कमिंग दिस ईद और कमिंग दिस न्यू ईयर. नाउ व्हाट इज़ कमिंग एंड हु ऑल आर देयर, दैट वुड बी रिवील्ड इन द सब्सिक्वेंट ट्रेलर्स. सो दैट इज़ टीजर एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग. This means that the company is giving free items to the prospect or customers. Why you are giving free items? To increase your repo or to increase the brand awareness. See, easiest example I can give you is like if you are running in marathon, for example Airtel marathon, तो आपको टी शर्ट मिलता है, टोपी मिलता है, यू गेट द मग, एंड उस पर लोगो लगा होगा और नाम लिखा होगा एयरटेल का. Now when you go back to your home, you are wearing that t-shirt, you are going out, or you are using that mug, and people are coming to your home and that is lying in your house. So indirectly you are creating brand awareness about that product. We know Airtel, if it is a new company, it will help the new company to reach out to the audience. Indirectly you are promoting that product, right? So that is specialty advertising. That means आप different different freebies देते हो जिस पे आपका नाम होता है, right? Please do not confuse this with free samples. जैसे अगर for example आपने कोई cream launch करा है और आप cream का free sample बांट रहे हो, या नई coffee आई है market में और आप उसका flavor free में बांट रहे हो sachets, that is not specialty advertising. You are not giving in this, you are not giving your item for free. आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, एयरटेल टी शर्ट्स नहीं बनाता, एयरटेल मग्स नहीं बनाता. एयरटेल इज़ अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी, बट इट इज़ गिविंग फ्री आइटम्स विद इट्स नेम ऑन देम, राइट? सो दैट इज स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग. सो फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजमेंट्स गिवन फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुड बी एनीथिंग, डिबेंचर्स, बॉन्ड और इक्विटी, और if some IPO is coming, so that is financial advertising. Next is government advertising. Government advertising means that the advertisement given by the government, why you are giving, to inform the public about any new initiative, policy or programs, right? And also to help advise people. For example, in the in this current scenario, the government are issuing on regular basis as to what protocols we as citizens have to follow, what is the condition in different part of the world, and
what precautions we should take. So that is government advertising. Next is export advertising. This is a subset of international advertising. हमने पहले geographical coverage के अंडर पढ़ा global या international advertising, which means कि आप advertise कर रहे हो throughout the world. Now if I am in if I am a business in India and I am exporting to 5 different countries, I am into export advertising. I am targeting those 5 countries and telling them why they should choose me, why should they take products from me and not from my competitors. If my focus is only on the exports, so that is export advertising. Next is public service advertising. There are two concepts, public service advertising and next social advertising. In some places you will find that they are considered to be synonymous. I'll tell you how they are not synonymous. Public service advertising means you are spreading awareness, right? You are not selling any product or service, and they are also known as public service announcement. As you can see in this picture is of no smoking. So aap koi awareness create karna cha rahe hain kisi topic par. जनरली NGOs करते हैं या associations या government करती हैं ऐसे type की ads. बहुत सारे media houses और media spaces free में भी जगह देते हैं, बहुत सारे pay भी, बहुत सारों को pay भी किया जाता है ये messages run करने के लिए. And now what is social advertising? Social advertising means using advertising to inform the public about a particular social issue and to influence their behavior, right? यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये ऐड जो है गवर्नमेंट भी दे सकती हैं, एनजीओज भी दे सकती हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस भी दे सकती हैं या कंपनीज भी दे सकती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेलिंग यू नो स्मोकिंग ऐड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडियन गवर्नमेंट भी दे सकती है और एक पर्टिकुलर कंपनी भी दे सकती है. सेव वाटर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट भी दे सकती है या एक पर्टिकुलर कंपनी भी इसको प्रमोट कर सकती है कि हमको पानी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए या टर्न ऑफ योर टैप. सो सेम सोशल मैसेज कुड बी गिवन आइदर बाय कमर्शियल कंपनी और नॉन कमर्शियल कंपनी. अगेन आई विल लीव एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन सी हाउ सोशल मैसेज एंड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स आर डन वाया एडवर्टाइजमेंट्स. द लास्ट वन वी डिस्कस इज इन फिल्म एडवर्टाइजिंग. एज द नेम सजेस्ट, जो मूवी के अंदर एम्बेडेड होती है एडवर्टाइजिंग, राइट? कोई अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं उसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका ब्रांड नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो दैट इज़ इन फिल्म एडवर्टाइजिंग. सो द ब्रांड इज़ एम्बेडेड इन द मूवी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सीन द मूवी चक दे ऑफ शाहरुख खान, यू सी इफ़ यू कैन रिकॉल he is a coach and he takes his team to a restaurant which is McDonald, which is shown, and then the entire team is having their meal and then they engage in a fight, girls versus boys team. So if you recall that scene, you can it was clearly visible that they are going to a restaurant which is McDonald's. So indirectly you are promoting that brand. वो ये नहीं बोल रहे कि हम मैकडोनल्ड में जाके खाओ, लेकिन वो वहाँ जाके खा रहे हैं, शोइंग द ब्रांड नेम रिफ्लेक्टिंग वेरी प्रोमिनेंटली. सिमिलरली इफ़ यू सी द मूवी वीरे द वेडिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच वर यूज्ड इन दैट बाय द लीडिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. फॉर एग्जांपल द गर्ल्स इन द मूवी वर बुकिंग ऊबर एंड दे वर प्रमोटिंग डिफरेंट स्नैक ब्रांड ऑल्सो. सो दैट इज़ नोन एज इन फिल्म एडवर्टाइजिंग. सो जो प्रोडक्ट या ब्रांड हीरो और हीरोइन यूज़ करते हैं, दैट गेट्स एन इमेज दैट दे आर गुड प्रोडक्ट और गुड ब्रांड्स, राइट? सो दीज वर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड आई होप दे आर क्लियर टू यू. इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड देन वी कैन डिस्कस दैम. Thank you and have a good day.